क्रीमिया ब्रिज की बात कर लेते हैं, जहां पर आज अटैक हुआ और उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि क्रीमिया ब्रिज को आत्मघाती हमलावर ने उड़ाया है। अब ये एक नया इनपुट जो सामने आ रहा है, ब्रिज पर ब्लास्ट करने वाला धमाके में मारा गया। तो अब तक इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि आखिरकार ये जो धमाका हुआ है ये कैसे हुआ है। अब बड़ा अपडेट इसी को लेकर ये आ रहा है कि आत्मघाती हमलावर ने ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की है, ब्रिज पर ब्लास्ट करने के साथ ही धमाके में मारा गया आत्मघाती हमलावर। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, पुतिन के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये क्रीमिया ब्रिज। 2018 में खुद ट्रक पर सवार होकर इस ब्रिज पर पहुंचे थे उद्घाटन करने, और आज जब इसको इसके क्षतिग्रस्त होने की तस्वीरें सामने आई है उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन का अगला कदम आखिरकार क्या होगा। इसी से जुड़ा इस वक्त का सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि आत्मघाती हमलावर का एंगल अब इसमें सामने आया है, जिसने ब्रिज को नुकसान पहुंचाया है और धमाका हुआ है, धमाके के साथ ही ये आत्मघाती हमलावर भी मारा गया। और तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, ये जो ब्लास्ट हुआ ये किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि अचानक से ये क्रीमिया ब्रिज को ही तबाह कर दिया जाएगा, पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। ये यूक्रेन की एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है और अब हो सकता है कि पुतिन इसका बदला ले, इसका प्रतिशोध ले। ये देखो, ये जो प्लानिंग थी इससे बहुत क्लियर अभी नहीं हो पाया है कि कैसे हुआ है। जैसे आत्मघाती आप कह रहे हैं तो ये क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि मिजाइल अटैक नहीं बता रहे, कुछ अलग अटैक नहीं बता रहे। तो ये जो सैबोटाज है, किस तरीके से प्लान किया है, किसको तैयार किया गया, वो सुसाइड अटैक है इनफैक्ट, और जाके डिस्ट्रॉय किया गया ऐसे टाइम पर किया गया है ताकि उसमें ब्लास्ट हो। ब्रिज इतना मजबूत था, जैसे एसपी सिंह बता रहे थे कि तोड़ना असंभव था, इसके साथ ये प्लान करके ब्लास्ट करके तोड़ा गया है। एट द सेम टाइम ट्रेन को भी एक्सीडेंट किया हुआ, तो इसमें प्लानिंग हुई है, कैसे हुई है और कितने लोगों को तैयार किया गया है। तो इसमें जलसंकी ने भी अपना, उनकी गवर्नमेंट ने, लोगों ने क्लेम किया है कि हमने, मतलब हमारी तरफ से हुआ है। ये बहुत तगड़ा नुकसान है रशिया के लिए, और रशिया के घर में घुस के अटैक किया गया है जी। ये तो मतलब कि सोते हुए सोता हुआ शेर तो नहीं कह सकते, बट उसको जगाने की बात हो गई है कि अब आप कुछ करो। रशिया जो कुछ दिनों से थोड़ा धीमा पड़ा हुआ था, कुछ नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब उसको एक तरह से आग में घी डालने का काम अमेरिका के माध्यम से किया जा रहा है ताकि ये वॉर आगे बढ़ती रहे।